शेर हैदराबाद में एक और यहाँ पर हिलाडो गिल्स की छठी ब्रांच का इफ्तिताह होने जा रहा है। तो आज ओपनिंग थी, फैमिली के साथ आप आई हैं, तो आइंदा भी है इरादा आने का? अभी जब ये मुंह में है तो फिर बात नहीं कर सकते। आइसक्रीम भी है, बच्चे जिसे बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, तो होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। जिसको घटाघट कहते हैं, बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शेर हैदराबाद में एक और यहाँ पर हिलाडो गिल्स की छठी ब्रांच का इफ्तिताह होने जा रहा है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं एनवायरनमेंट यहाँ का बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। आज ओपनिंग है और ये छठी ब्रांच है हैदराबाद में। इनके अगर मेन्यू की बात करें तो माशाल्लाह बहुत वसी रेंज है इनके मेन्यू की। और यहाँ पर देखें तो लेमोनेड, आइसक्रीम शेक्स स्लैश कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कॉफ़ी आपको मिल जाएगी, टी मिल जाएगी। इसके अलावा जो इनकी स्पेशलिटी है, हॉट कॉफ़ी है, कोलाडा है, बेवरेज के बहुत सारे आइटम हैं। मतलब वसी रेंज यहाँ पर आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ स्मोक ड्रैगन्स हैं, अभी आपको आगे जाकर मैं दिखाने वाला हूँ। स्मोकी ड्रिंक्स हैं, स्मोक के काफ़ी आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। रोल आइसक्रीम यहाँ पे आपको मिल जाएगी, चॉकलेट फ्लेवर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। स्पेशलिटी यहाँ की जो है वो स्मोक मटका फ्राइज भी है। इसके अलावा जो हम अपनी देसी ज़ुबान में कटाकट कहते हैं, तो वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो मेरे साथ आएँ, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर जाकर मज़ीद। और यहाँ के जो यहाँ पर फैमिलीज आई हुई हैं उनसे भी बात करेंगे, इसके अलावा जो यहाँ के ओनर हैं उनसे भी बात करेंगे, और अंदर कैसे यहाँ पर आइटम तैयार किए जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं, मेरे साथ आएँ आपको दिखाते हैं। ये बताइएगा, आज माशाल्लाह ओपनिंग है, कैसा रिस्पॉन्स है और ये क्या चीज़ आप यहाँ पे बना रहे हैं? सर रिस्पॉन्स तो माशाल्लाह फिलहाल ओपन हुआ है अभी, अब तो अभी रिस्पॉन्स जैसा भी होगा पता चलेगा। बाकी ब्रांचेस पे ये है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, और ये एक वाइड ऐसी चीज़ है जो हैदराबाद में सिर्फ हमारे पास है, हिलाडो गर्ल्स एंड गर्ल्स के पास। इसके अंदर स्पेशलिटी सर ये होती है, ये इसके अंदर ड्रिंक पॉप्स होते हैं, किड्स पॉप्स होते हैं, वेफर्स होते हैं, ठीक है। लाइक इसके अंदर स्मोक होता है, लिक्विड नाइट्रोजन। बाकी ये है कि बहुत इन्जॉयमेंट के लिए चीज़ है। बॉलीवुड में, अब्दुल्ला में, मैगनम में, सदर कैट में, ये हमारे 5 ब्रांच है यहाँ पे। तो ये कटाकट खिलाता है, क्या खिलाता है? ये फ्राइड रोल आइसक्रीम खिलाता है। अच्छा, हमारे देसी जबान में कटाकट बोला जाता है। तो इसकी क्या प्राइस रेंज है और क्या खसूसियत है? इसकी इंतहाई यहाँ पे कम रेंज है, क्योंकि मॉल वगैरह में 250-300 की है, यहाँ पे 150 और 250 की है। वैसे तो मॉल वगैरह इसमें बहुत हाई रेट है, यहाँ पे कम है बिल्कुल। तो क्या क्या डलता है इसमें? फ्रेश मिल्क से ये बनती है लाइव बिल्कुल। और दूसरी इसमें कोई यानी ऐसी कोई एक चीज़ है, यानी कि मिसाल एक तो बनी बनाई होती है, स्कूप के अंदर होती है, इसमें ऐसा कोई एडिशन वगैरह नहीं होता, सिर्फ ये लाइव होती है एंड बिल्कुल फ्रेश होती है। ठीक है, फ्रेश फ्रूट वगैरह आ गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है ड्राई फ्रूट के साथ जो है ये बनाया भी जा रहा है, आप देख सकते हैं। कैमरा मैन को मैं कहूँगा ये दिखाएँ किस तरीके से ये बना रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, देसी ज़बान में जो हम कहते हैं कटाकट, तो ये उस तरीके से बनाया जा रहा है। इसके अलावा अगर आगे आएँ तो यहाँ पर भी जो है देख सकते हैं आप लोग, इधर भी बनाया जा रहा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है ये बना रहे हैं। और कस्टमर यहाँ पे खड़े हैं, ओपनिंग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। उधर मैं कहूँगा दिखाएं कि वहाँ फैमिलीज बैठी हुई हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मज़ीद और क्या क्या है आगे जाके देखते हैं, और मेरे साथ आएँ आपको आगे दिखाते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा और यहाँ पर आई हैं, क्या खाया, कैसा लगा? मिसेस सैरिश रमीज़ नाम है मेरा, और आज ये न्यू ओपनिंग हम लोगों ने देखी थी हिलाडो कल्स एंड ग्रिल की, तो मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं, अपनी बच्ची को लेकर आई हूँ मैं। हम लोगों ने अभी ऑर्डर प्लेस किया है मटका फ्राइज़ का भी और पॉप्स का भी, स्मोक्स के लिए। स्मोक पॉप्स मेरी बेटी खा चुकी है, बहुत अच्छा टेस्ट था। हाँ, एक ये न्यू एडिशन है हमारे लिए 6 नंबर में, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों को खाने के लिए मॉल्स जाते थे, बट अब ये मिड ऑफ द सिटी हमें अवेलेबल है,
तो हम लोग बहुत इजीली यहाँ पर इस चीज़ को ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर तवा आइसक्रीम भी है, बच्चे जिसे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, तो होप फॉर द बेस्ट। मैं तो पहले अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह ने इस मुकाम तक पहुँचाया, फिर सर ने ओपनिंग की इस आउटलेट की, और अल्लाह की रहमतें होंगी हमारे ऊपर, अल्लाह बेहतर करेगा सब। और मुझे अल्लाह की ज़ात से बहुत उम्मीद है कि ये हमारी एटमोस्ट जो है ना 5वीं ब्रांच है जिसकी हमने यहाँ ओपनिंग की है, और ये एक ऐसा ब्रांड है जो हैदराबाद में शायद अवेलेबल नहीं है कहीं और, इसका टेस्ट ही अलग है। तो मुझे अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद है कि हम इस ब्रांच के बाद मज़ीद और ब्रांचें भी खोलेंगे और लोगों को अच्छा एंटरटेनमेंट, अच्छा फूड क्वालिटी वाइज हम लोग प्रोवाइड करेंगे ताकि वो एंटरटेन करें और खुश रहें, अपनी फैमिली के साथ आएं और इनको एंजॉय करें। बहुत ज़्यादा प्यार मिला है मेरा हैदराबाद वाले लोगों से, अपने भाइयों से, बहनों से, जो फैमिलीज आती हैं उनसे दरख्वास्त है कि रेगुलर आएँ, विज़िट करें हमारे ब्रांच की, और हम अगर कहीं बेहतरी की गुंजाइश हम में हो तो हमें बताएं, गाइड करें, हम मज़ीद बेहतर करेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि अपनी सर्विसेज को मज़ीद बेहतर करके अपने हैदराबाद के आवाम को, लोगों को प्रोवाइड कर सकें। जी मैं तो बड़ा पुरुम्मीद हूँ कि जिस लोकेशन पे ये ब्रांच खोली जा रही है तो हम बहुत हाई होप से, हमें कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, लोगों की एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक आइडियल लोकेशन है, आइडियल जगह है। कि आप देखें कि कासमाबाद और जो लतीफ़ाबाद है उसका एक सेंट्रल पॉइंट है, ये यहाँ से मैक्सिमम पब्लिक जो है वो गुज़रती है, तो एक बड़ी प्यारी लोकेशन है। और आप जैसे कि जानते हैं कि हिलाडो गर्ल्स का जो नाम है वो एक ब्रांड बन चुका है आजकल के दौर में, और अल्हम्दुलिल्लाह दो ब्रांचेस के बाद, बॉलीवुड मॉल के बाद, अब्दुल्ला मॉल के बाद, अभी यहाँ पर भी ये ब्रांच खोली जा रही है। तो जो स्टैंडर्ड हिलाडो ने इंट्रोड्यूस करवाया हैदराबाद में, मैं समझता हूं कि वो एक बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू है, और नई से नई वैरायटी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे यहां पे, जिसमें कॉफ़ी भी है, जिसमें आइसक्रीम की वैरायटी है बहुत बड़ी, और वाइड रेंज ऑफ फूड है, फास्ट फूड है, जूसेस हैं। तो मेरे ख़्याल में एक फास्ट फूड चैप्टर को ये बहुत अच्छे तरीके से ये कवर कर रहा है। सबसे पहले तो ये बताइएगा इस कामयाबी का क्या राज है, और ये भी बताइएगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और कैसा लग रहा है, और हैदराबाद की आवाम को क्या मैसेज देना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हमारी ये 6वीं ब्रांच ओपन होने जा रही है। हमने पहले 2020 में हमने यहाँ पर इसको लॉन्च किया था, हमने इसकी इफ्तिताह किया था ऑटोबान रोड से, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल रहे हम लोग, तो फिर इसके बाद हमने बॉलीवुड मॉल में इसकी ओपन किया, उसके बाद मैग्नम मॉल में, अब्दुल्ला मॉल में, और मरहबा मॉल के अंदर, और आर्मी गैरजन के अंदर हमारी ये शॉप है। उसके बाद 6वीं ब्रांच हम यहाँ पर लतीफ़ाबाद 7 नंबर 8 रोड पर जो हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जो प्रोडक्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत सक्सेसफुल है और यूनिक प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके अंदर हमें इस रोल आइसक्रीम जो हैदराबाद में किसी के पास नहीं थी वो हम फर्स्ट टाइम लेकर आए। स्मोक बिस्किट्स, स्मोक पॉप्स, स्मोक जूसेस और स्मोक मटका फ्राइज जो हमने अभी लॉन्च किए, अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे और फैमिलीज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इसे इंजॉय करते हैं। और मैं अपने हैदराबाद वालों से कहूँगा कि यहाँ पर जिन्होंने अभी तक यहाँ पर आकर ये आइसक्रीम और स्मोक बिस्किट वगैरह टेस्ट नहीं किया, मैं आऊँगा, उनको कहूँगा कि आएँ और इसको इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। तो देखने वालों को आप ये एड्रेस समझाएंगे बिल्कुल आसानी से यहाँ तक पहुँच सके हैदराबाद वाले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इसका इजी एड्रेस है कि ये एयरपोर्ट रोड लतीफ़ाबाद नंबर 7 है, जो अल रहीम रेस्टोरेंट के साथ पर जो कॉर्नर पर है उसके आगे जाके ये हमारी हिलाडो गर्ल्स एंड गर्ल्स के नाम से ये आउटलेट है। जी आज पता लगा कि हिलाडो गर्ल्स एंड गर्ल्स की ओपनिंग होने वाली है, तो मैं जल्दी से हिलाडो आ गई, और क्योंकि मैंने इनकी आइसक्रीम वगैरह तवा आइसक्रीम बहुत ज़्यादा सुना हुआ था, और मैंने उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा किया हुआ था, तो मुझे बहुत पसंद है। तो इसलिए आते के साथ ही मैंने तवा आइसक्रीम जो कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, टेस्ट भी इनका बहुत ज़बरदस्त है, इसके साथ साथ इनके पास फास्ट फूड स्लैशेज भी हैं, उसके साथ साथ आपको आइस स्मोक भी मिल जाएगी, और आइसक्रीम वगैरह डिफरेंट हैं, और जूसेस वगैरह भी हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लॉन्च की हैं। तो बहुत हम खुश हैं कि यार हिलाडो हमारे घर के करीब ही एक खुल गया,
और ज़्यादा दूर नहीं है, तो सब अपनी फैमिलीज़ के साथ आके हिलाडो कल्स एंड ग्रिल्स पे इंजॉय कर सकते हैं। और इनका फैमिली एम्बियांस वगैरह बहुत ज़बरदस्त है, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। हिलाडो की ओपनिंग यहाँ पर जो है माशाल्लाह ज़ोरों शोर से जारी है और गेस्ट यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर आज माशाल्लाह ओपनिंग में आपने शिरकत की है, क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे आज की ओपनिंग? अब्दुल शकूर है और मैं यहाँ पर आया, मैंने गुजर रहा था तो मैंने यहाँ पर देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक चेंज सा लगा। यहाँ पर आया स्पेशली मैंने इनकी आइसक्रीम चेक की, बड़ा मज़ा आया, ऐसा टेस्ट मुझे यहाँ पर हैदराबाद में बहरहाल नहीं मिला, तो उस हिसाब से मुझे बड़ी खुशी हुई। तो फिर बैठ गए, हम देख रहे थे, प्रोग्राम हो रहा था और फैमिलीज भी मैं देख रहा था, बड़ी खुश हो रही थी ये सारी चीज़ें देख करके। हिलाडो के ओनर माशाल्लाह बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी है, शहरयार भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शहरयार भाई ये बताइएगा ये कौन सी ब्रांच है और आज क्या हो रहा है यहाँ? ये हमारी सातवीं ब्रांच है, इसकी ओपनिंग हो रही है और ये हिलाडो कल्स एंड ग्रिल्स के नाम से है। इस पर हमने आइटम्स ये रखे स्मोक पॉप से और लिमका लेमिनेट मार्गरिटा एंड सेलेक्शन से एंड बहुत सी चीज़ें, स्मार्ट का प्राइस भी है, बस भी विजिट कीजिए आप भी। हैदराबाद के लोग माशाल्लाह आपको पता है एशियन न्यूज़ को देखते हैं, 70 के फॉलोअर्स हैं माशाल्लाह हमारे, तो क्या कहेंगे उनको यहाँ आना चाहिए और ये एड्रेस थोड़ा समझाएं कौन सा पड़ता है? ये एयरपोर्ट रोड है, ठीक है, नियर 7 नंबर, ठीक है, एयरपोर्ट रोड 7 नंबर, ठीक है, अल्पाइनों के नेव में। सर माशाल्लाह ये मिस्टर अकरम साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये नवाबशाह से हमारा ताल्लुक है, तो हम नवाबशाह से यहाँ हैदराबाद आए हैं, तो हमें बहुत खुशी हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह नवाबशाह के लिए एक सरप्राइज़ है कि इनका इतना एक प्रोडक्ट मार्केट के अंदर चल चुकी है, तो अब्दुल्ला माल बॉलीवुड गुल सेंटर पर, उसके बाद यहाँ पर जो है दो और पॉइंट्स हैं जो है, तो माशाल्लाह हैदराबाद के लोगों ने इसको बहुत बड़ा पसंद किया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमने काफ़ी दोस्तों से रब्ता किया कि हॉलीवुड आप कैसे लग रहा है जगह जो है लाडो, तो उसने कि माशाल्लाह सब लोगों ने बड़ी तारीफ़ की है इनकी सर्विस के लिए, तो माशाल्लाह हम कुछ अल्फाज नहीं कि हम कुछ बोलें, बेहतरीन सर्विस है माशाल्लाह। नहीं बहुत बेहतरीन सर्विस है, हैदराबाद में और भी ब्रांचें इनकी खुलनी चाहिए, सिटी के अंदर भी खुलनी चाहिए लतीफ़ाबाद के अलावा, क्योंकि सिटी में जो कस्टमर हैं उनको आने में परेशानी होती है, तो हम ये बोलेंगे सिटी के अंदर भी ये ब्रांचें खुलनी चाहिए क्योंकि बॉलीवुड मॉल के अंदर है, इसके अलावा जो हैदराबाद के अंदर सिटी में दाऊद मॉल है वहाँ पर इनकी ब्रांच खुलेगी, मॉल से बाहर अच्छा रिस्पांस मिलेगा और अच्छी वैरायटी है इनके पास और अच्छी कलेक्शन। हिलाडो कल्स एंड ग्रिल्स में अंदर मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फैमिली यहाँ पर मौजूद है और आज ओपनिंग है और इनसे बात करते हैं कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर, और यहाँ पर देख भी रहे हैं हम कि इन्होंने ऑर्डर भी किया हुआ है, तो इसके बारे में पूछते हैं क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तंजीना अली है और आज हम मौजूद हैं हिलाडो कल्स एंड ग्रिल पर, और यहाँ की मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगी है वो है कि यहाँ पर ड्रैगन स्मोक जो है बाइट्स जो भी इनको कहते हैं वो अवेलेबल है, ड्रिंक्स स्मोक अवेलेबल है, मटका स्मोक अवेलेबल है जो यूजुअली हमारे यहाँ पर नहीं होता, हमें उसको ट्राई करने के लिए मॉल जाना पड़ता है, मगर ये अच्छा है कि हमें करीब में ही मिल जाएगा, हमें बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो आप कहाँ से हैं? लतीफ़ाबाद से ही। अच्छा, तो ये खा के भी दिखाएं व्यूअर्स को, थोड़ा सा करीब लेकर आएँ कैमरामैन, दिखाएं कि ये किस तरह स्मोक निकल रहा है बिस्किट में से, थोड़ा आप खा के दिखाएं व्यूअर्स को आराम से, ये थोड़ा मुँह जो है ना जुबान सुन कर देता है, ऐसा ही है। तो कैसा लग रहा है आपको इनका टेस्ट? अच्छा, बिल्कुल टेस्ट अच्छे हैं इनके, और ये वैसे ही हम लोग जो है ना इंजॉय करने के लिए खाते हैं, वैसे इसका कोई वो नहीं होता टेस्ट। तो आज ओपनिंग थी, फैमिली के साथ आप आई हैं, तो आइंदा भी है इरादा आने का? अभी जब ये मुँह में है तो फिर बात नहीं कर सकते, फैमिली के साथ आएंगे क्योंकि इन्वायरमेंट अच्छा है, जगह अच्छी है, एम्बियंस अच्छा है, तो हम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर आएंगे यहाँ पर। इन्वायरमेंट अच्छा है, जगह अच्छी है, एम्बियंस अच्छा है, बिल्कुल जिस तरह इन्होंने कहा है। और यहाँ पर ओपनिंग आज हुई है हिलाडो की, तो मैं हैदराबाद के शहरियों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर लाजमी आए, एयरपोर्ट रोड कहलाता है लतीफ़ाबाद, और नियर यहाँ पर अल रहीम रेस्टोरेंट भी है, एल्पिनो जिलाटो भी है, तो बहुत ही आसान एड्रेस है, तो यहाँ पर लाजमी आए। इसी के साथ अपने मेज़बान अरबाज़ अमान को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए एशियन न्यूज़, अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।